मैं हूं कुमार संभोर, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम। और आज इंटरनेशनल टाइगर डे पर हम लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम बात कर रहे हैं कुमार मनीष अरविंद से, जो है भारतीय वन पदाधिकारी और इस वक्त मुख्य वन संरक्षक हैं मेदिनीनगर पलामू झारखंड के। तो ये हैं कुमार मनीष अरविंद और इनसे सवाल पूछ रहे हैं छोटे छोटे ढेर सारे बच्चे। तो आइए सुनते हैं। आपने कहा ना पर्यटन को लेकर के कि किस तरीके से पर्यटक आते हैं बाघ देखने के लिए, तो निशा का ये सवाल है। मैं निशा राज, स्टैंडर्ड स्कूल की स्टूडेंट। मेरे को आपसे प्रश्न पूछना है, बाघ के कारण पर्यटन कैसे बढ़ सकता है? क्या तुमने ये अच्छा सवाल किया, मैं बताता हूँ। देखो बाघ जो है ना, बाघ अपनी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से बाघ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है जी। आपने दशहरा में जो आप घूमने जाते हो तो दुर्गा जी का की मूर्ति देखते हो, उसमें बाघ के ऊपर में भगवती आसीन होती है ना, तो बाघ तो दुर्गा का वाहन है, ठीक है। तो बाघ जो है, और हमारे संस्कृति में बाघ का जुड़ाव जो है बहुत है। बच्चों को जो है दादी माँ कहानी सुनाती है तो उसमें जो है ये बातें बहुत सारी होती हैं कि एक राजा था, वो शिकार करने गया और उसने जो है बाघ को मार दिया, है ना। ये सब बातें जब हम लोगों ने बचपन में सुनी है, आप लोगों ने भी जरूर इसका मजा लिया होगा। इस तरह की किसी कहानियां जो है दादी माँ, दादाजी और बड़े लोग सुनाते हैं। बाघ जो है इस तरह से एक जनमानस में जो है बाघ की छवि है। धरती का ये सबसे बड़ा मांसाहारी जंतु है, ये भी एक इसकी विशिष्टता है। बाघ जो है काफी चुस्त और फुर्तीला जानवर है, बहुत मजबूत है इसका कद काठी। इसका रंग जो है इतना आकर्षक है, चमकदार पीला और उस पर काला धारीदार पट्टी, ये जो है ये सब मिलकर के पर्यटकों को बाघ जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। जंगल में बाघ को खुले में विल्डरनेस में देखना जो है अपने आप में एक थ्रिल है। इस सिहरन को जो है, इस थ्रिल को महसूस करना जो है एक बड़ा अनुभव है, एक बड़ा विशिष्ट अनुभव होता है। और ये करना चाहते हैं जो पर्यटक जंगल में घूमने में रुचि रखते हैं, वो हमेशा हम लोग जब जंगल में मैं तो वन पदाधिकारी हूँ और वाइल्ड लाइफ विंग में जब मैं पोस्टेड था, तो हमेशा जो पर्यटक आते थे वो उनकी इच्छा होती थी, उनकी डिमांड होती थी कि हम बाघ देखना चाहते हैं। लेकिन हमेशा बाघ आप देख नहीं सकते, ये भी एक सच है कि आप, जैसे मैंने अभी बताया था कि दिन के उजाले में बाघ जो है कम एक्टिव रहते हैं, वो कहीं शांति से अपने सुरक्षित जगह पर जाकर के आराम कर रहे होते हों, और रात में एक्टिव होते हैं। तो हर समय तो बाघ देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ बाघ का नाम, बाघ की उपस्थिति जो है ये पर्यटकों को आकर्षित करता है। बाघ की उपस्थिति अपने आप में पर्यटकों को आकर्षित करती है, ये चीज जरूर सही है। और इसलिए बाघ के होने से, किसी खास जंगल में बाघ के होने से पर्यटक उधर आकर्षित होते हैं। लेकिन मैं साथ साथ इस प्रश्न के साथ साथ मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सुनने वाले श्रोताओं से कि आप जो है कहीं भी यदि जंगली क्षेत्र में, वन क्षेत्र में पर्यटन के लिए जाते हैं तो कृपया हमेशा बाघों को देख लेंगे, इसी उद्देश्य से पर्यटन ना करें। आप जो है वन में जाए, उसकी अनुभूति जो है, जो वन की अनुभूति है, उस विल्डरनेस को आप जो है फील करें, उसकी अनुभूति लेकर के आप उसमें में संतुष्ट हों, ये मेरा निवेदन है, ये मेरी अपील है ये, कि इस तरह से पर्यटक को सिर्फ बाघ को देखे तभी हम संतुष्ट होंगे, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि पर्यटन में मुझे याद है कि मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले साल एक्चुअली मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गया था, और वहाँ पर ओपन जीप में जंगल में घुमाने का एक सिस्टम है जिसमें 6 से 8 लोग बैठते हैं ओपन जीप में, और हम लोग घूमने गए थे अंदर। मुझे बाघ नहीं दिखा जिम कॉर्बेट, हालांकि बाघों के लिए ही जाना जाता है, लेकिन बहुत सारे पशु पक्षी दिखे, जिसमें हिरण थे, चीतल थे, भैंसा था, और वो सब महत्वपूर्ण था, और एक अलग अनुभूति थी वो बिल्कुल। और वहाँ जंगल के बीच में होने का जो अनुभव है, तो वो आपको इतना प्रसन्न करता है, आप बिल्कुल एकदम वहाँ पर जो है तो खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वो चीज महत्वपूर्ण है। बाघ को देखने की जिद या बाघ को ना देखे तो फिर निराशा, ये चीज जो है नहीं होनी चाहिए। आप जंगल से कभी भी निराश होकर मत जाइए। हाँ, आप एक बार, दो बार, पांच बार आइए, हो सकता है कि 5 बार में कभी एक बार जरूर दिख जाएगा आपको, लेकिन जंगल से कई बार मैं देखता हूँ कि लोग निराश होकर के जा रहे हैं,
तो मैं सोचता हूँ कि ये पक्का पर्यटक नहीं है। जहाँ तक संख्या के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ बच्चों को कि हमारे यहाँ बाघों की संख्या में कैसे ये बढ़ोतरी हुई है। ये जो हम लोग अभी आज बता रहे हैं कि 29 जुलाई को 2020 को हम लोग अभी इंटरनेशनल टाइगर डे मना रहे हैं, तो इसकी शुरुआत की 29 जुलाई 2010 में कल में हुआ था कि सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था। ठीक है, रसा में है, रसिया में है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पर जो है वो टाइगर समिट हुआ था। और उसी दिन से ये तय हुआ था कि सभी जो देश थे उसमें उन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया था कि हम लोग बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए और बाघों के जो पर्यावास है हैबिटेट उसकी सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए, बाघों को बचाने के प्रति जागरूकता लाने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। और तब से हम लोग 29 जुलाई को ये काम कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं आंकड़ा कि जिसमें ये 2010 में ये समिट हुआ था उसमें पूरी दुनिया में 3200 बाघ ही बचे हुए। बिल्कुल ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि 4000 बाघ हैं आज के दिन में, तो 10 साल में 800 संख्या बढ़ गई पूरे दुनिया में बात करें तो। लेकिन जब अपने देश में बात करें तो उसमें हमारे देश में लगभग 1700 के आसपास बाघ थे। ठीक है, 2010 का आंकड़ा है 1706 और आज हमारा आंकड़ा क्या हो गया 3000 के लगभग। 3000 के लगभग, राइट। तो इसमें हमने कितना लगभग जो है वो हम लोग काफी वृद्धि हो गई है हमारी संख्या तकरीबन 40-50% का रेज हमारे। तो इसलिए पूरी दुनिया में जितने बाघों की संख्या बढ़ी है उसमें उसके बनिस्पत हमारी जो बाघों की संख्या बढ़ी है वो ज्यादा बढ़ी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। एक सवाल आया है आर्यन का, आर्यन पूछे अपना सवाल। मेरा नाम आर्यन पुरदार है, मैं कक्षा 6 सुरेंद्र नाथ का छात्र हूँ। मेरा सवाल यह है कि टाइगर तो जंगल का राजा होता है, उसे पिंजरे में बंद करके क्यों रखते हैं? बेटा आर्यन, मैं आपको बताऊं कि पहले सर्कस की बात करते हैं। सर्कस में पहले होता था, आज से मान लो 22 साल 20 साल मतलब 2 दशक पहले के समय में जंगल में सर्कस में जो है बाघों को आपने तो नहीं देखा होगा, आपके पिताजी ने देखा होगा जंगल में जो है वो सर्कस में जो है बाघों को पिंजरे में रखते थे और सुरक्षित करते थे। असल में अब क्या है कि बाघ, शेर, सिंधुआ, भालू, बंदर इन सबको सर्कस में अब नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। ये अब रोक दिया गया है कि इसके प्रदर्शन को रोक दिया गया, आप बाघ को कोई भी सर्कस में नहीं दिखा सकता। ठीक है, अब रह गया चिड़ियाघर की बात, रह गई जो जू है। तो चिड़ियाघर में जो हम लोग रखते हैं बाघ और दूसरे सभी जानवरों को, उसका उद्देश्य होता है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, उसका जो है संरक्षण ही उद्देश्य होता है। बहुत सारे जानवरों की संख्या बहुत कम जब हो गई है जंगल में, तो उनको एक कंट्रोल्ड एटमोसफियर में उनको हम लोग रखते हैं ताकि आपस में उनका ये ब्रीडिंग का उनका काम हो, उनके बच्चे हो पाए और उनको हम लोग बचा पाए, उसको कहते हैं एक्टिव कंजर्वेशन। तो ये काम जो हम लोग करते हैं तो इससे जो है उनको उनकी संख्या में इजाफा हम लोग करते हैं और उसको जेनेटिक जो उसका जीन जो है उस जीन का बचाव भी होता है, उसका ये महत्व है। ठीक है, उसके अलावा फिर अब जागरूकता, जैसे शहर में है जू तो उसको देखने के लिए शहर के और आसपास के लोग जाते हैं देखने, स्टूडेंट जाते हैं, जन सामान्य जाते हैं, तो एक मनोरंजन का और साथ साथ जानकारी का जागरूकता भी बढ़, जागरूकता बढ़ाने का, जानकारी का और साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन का भी कुतूहल रहता है, तो उसके लिए जो है उसका ये। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन मनोरंजन से या जानकारी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसका है कंजर्वेशन का उद्देश्य है कि हम उस प्राणी को विलुप्त होने से बचाते हैं, इसीलिए उसको सर्कस में चिड़ियाघर में। और अब तो चिड़ियाघर कहते भी नहीं, हमको लगता है कि अब तो बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल पार्क बोलते हैं उसे। हाँ, पार्क बोलते हैं, मैंने अभी जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है भी। लेकिन मैं एक चीज बताऊं और आपको कि इससे जो है ये चिड़ियाघर में जो अब नई व्यवस्था हो रही है उसमें ऐसा नहीं है कि जानवरों को एकदम छोटे पिंजरे में डाल देना है। जैसे बाघ को, भालू को, हाथी को जो रखते हैं ना, तो उसके लिए बड़े इंक्लोजर्स डालते हैं जिसके अंदर में पीने के पानी की व्यवस्था रहती है और उसका जो है टोपोग्राफी इस तरह से बनाया रहता है कि उसको लगे कि उसको आभास हो कि मैं जंगल में। ये उद्देश्य रहता है और इस तरह के विचार आए हैं अभी हम जो नए चिड़ियाघर में है, जो प्रगति हुई है, जो उन्नति हम लोग दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। आप रांची में भी जाएंगे चिड़ियाघर में तो आपको इस तरह का माहौल मिलेगा, इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी कि आप जानवरों को ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक वातावरण में ही रखने
की व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास। बिल्कुल, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बच्चों के सवाल बाघ पर और भी हैं, जिनका जवाब दे रहे हैं मुख्य वन संरक्षक मेदिनीनगर पलामू के कुमार मनीष अरविंद। तो कहीं मत जाइएगा, बस छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।